أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मगफिरतुहु व दखल अल जन्नत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रब اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت اللهم خذ بيدك। बच्चों आज हम लोग मैथमेटिक्स की दुनिया का सबसे ज्यादा मजेदार टॉपिक और सबसे ज्यादा दिमाग को खोलने वाला, दिमाग को सोचने पे मजबूर करने वाला बेटर जो टॉपिक है हम उसे करने जा रहे हैं, और ये है डिमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। याद रखना आपका चैप्टर नंबर 10 है, थ्योरम्स हैं आपके ट्राइंगल्स से रिलेटेड, ठीक है। हम लोगों ने इस चैप्टर में करना क्या, पहली चीज थ्योरम्स का नाम लो तो अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हम लोगों पर रहम फरमाए। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, क्योंकि हम उस्ताद लोग जो ना बच्चों के माइंड में चीज ये डाल देते हैं कि थ्योरम्स बहुत मुश्किल होते हैं। बेटा जी हाँ, थ्योरम्स बहुत मुश्किल से आते हैं, बड़ी मेहनत से आते हैं, लेकिन थ्योरम्स हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते। थ्योरम्स याद रखना ये वो रूल्स होते हैं जो हमारी जिंदगी को आसान कर देते हैं। थ्योरम्स आर नॉट फॉर मेकिंग अवर लाइफ वेरी डिफिकल्ट। थ्योरम्स जो है ये हमारी जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए नहीं होते। याद रखना थ्योरम्स वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा आसान कर देते हैं। सिर्फ क्या होता है बेटा जी, इनको समझना होता है। मैक्सिमम बच्चे थ्योरम्स से नफरत क्यों करते हैं, भागते क्यों, मैं ये कहूंगा उनको इनको देख के कहते हैं ना कि वो कांपना शुरू कर देते हैं, इनको देख के उनके अंदर एक खौफ की लहर दौड़ जाती है, ऐसा क्यों है? तो बेटा इसके सरासर जिम्मेदार कौन है? उस्ताद लोग। सो बेटा बात यही है कि थ्योरम्स को मुश्किल हम उस्ताद लोगों ने बनाया हुआ बच्चों के लिए। क्यों? अगर थोड़ी सी हम लोग बच्चों को इन थ्योरम्स की इलेबोरेशन दे दें, थोड़ा सा बच्चों को इनकी एक्सप्लेनेशन दे दें, तो मेरा यकीन ना, मेरा यकीन है जिसे कहते हैं मुकम है, मेरा यकीन है जिसे मेरा कहते हैं ना कि मेरा पुख्ता यकीन है, मुझे हकुल यकीन है इस चीज का कि हमारे बच्चों को थ्योरम्स से बहुत प्यार हो जाएगा और वो थ्योरम्स को लाजमी करेंगे, उनके दिमाग को लेंगे। सिर्फ के थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। अब आज इंशाल्लाह हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि थ्योरम्स के बारे में जो एक बहुत ही बड़ी अफवाह जो बच्चों के दिलों में बहुत ही गलत किस्म की बात जो बैठा दी जाती है कि थ्योरम बहुत मुश्किल होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप खुद देख लेंगे और इंशाल्लाह आपको यकीन हो जाएगा कि थ्योरम से ज्यादा आसान चीज मैथमेटिक्स में बनी है, ठीक है। थ्योरम लिखा हुआ जी, ये बेटा आपकी पढ़ी हुई बुक है, ये कौन सी बुक है बताओ? हाँ, एट्थ क्लास की बुक है, पढ़ी है आपने? ये चीज आपने अपनी एट्थ क्लास की बुक में देखी हुई है? नहीं देखी, नहीं देखी। सो बेटा जी यही तो प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि हम बच्चों को वही चीज करवाते हैं जो हमने पेपर में देनी होती है। हम लोग उन लोगों को नहीं फॉलो करते जिन्होंने बुक्स लिखी होती हैं, जो चीजें बुक में होती हैं उन्होंने किसी मकसद को सामने रख के लिखी हुई होती है। सो देयरफॉर बेटा जी आपकी एट्थ क्लास का चैप्टर नंबर 10 डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री है। इसके अंदर बेटा जी आपको उन्होंने थ्योरम की डेफिनेशन दी हुई है कि थ्योरम होता क्या। द वर्ड थ्योरम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड थ्योरियन, ठीक है, विच मीन्स बिहोल्ड। क्या
बिहोल्ड या कॉन्टेम्पलेट और कंसीडर, इसका मतलब क्या होता है किसी चीज पे गौर करना। कहते हैं ज्योमेट्री, बड़े इसका डिक्शनरी मीनिंग था, बट इसका जो टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है या टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं लिटरेचर मीनिंग जो है इसका, या मैथमेटिकल मीनिंग क्या है इसका, या टेक्निकल मीनिंग जो मैथमेटिक्स में जिसको हम कंसीडर करते हैं भैया, कि ए ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट, मैं ये कहता हूं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसलिए ज्योमेट्री में थ्योरम्स नहीं होते, थ्योरम्स आपके मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में होते हैं। और कुछ थ्योरम्स मैं आपको पीछे प्रूफ भी करवा चुका हूं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम मैंने प्रूफ करवाया था, ठीक है, बहुत आसान था ना, मैंने फैक्टर थ्योरम आपको प्रूफ करवाया था और उन्होंने आपके लिए सवालों को सॉल्व करना कितना आसान बना दिया था। तो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूव्ड और सपोज्ड प्रूवेबल, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट या एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको आप साबित कर सके, जिसको आप दुरुस्त साबित कर सके, जिसका सबूत आपके पास हो, और सपोज्ड प्रूवेबल जिसको समझा जाता हो कि वो काबिले तस्दीक है, उसकी तस्दीक की जा सकती है, उसको सच्चा साबित किया जा सकता है थ्रू लॉजिकल रीजंस, किसके जरिए से, अकली दलीलों के जरिए से, दलाइल के जरिए से, उन बातों के जरिए से जिनको अकल मानती हो, इस कॉल्ड ज्योमेट्रिकल थ्योरम, उसको ज्योमेट्रिकल थ्योरम कहते हैं। ये बड़ा ज्योमेट्रिकल थ्योरम की डेफिनेशन है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड, ठीक है, आर सपोज्ड प्रूवेबल थ्रू लॉजिकल रीजंस इज कॉल्ड मैथमेटिकल थ्योरम और ज्योमेट्रिकल थ्योरम। प्रॉब्लम किसी को, अब बेटा जी एक बात दिमाग में रखिएगा कि एक थ्योरम के कितने हिस्से होते हैं। अगर आपने पेपर में एक हिस्सा भी छोड़ दिया तो समझ लीजिएगा आपको थ्योरम के इवज कुछ नहीं मिलेगा, जो आपने लिखा वो फजूल लिखा। कुछ बच्चे थ्योरम लिखाते हैं और शक्ल नहीं बनाते, नहीं, थ्योरम को याद रखना जो प्रूफ आप करेंगे, थ्योरम को याद रखना प्रूफ करते वक्त आपको उसके छह एलिमेंट्स का ख्याल करना पड़ेगा। पहला एलिमेंट उसकी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट क्या है? द वर्बल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्योरम इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, या सादा अल्फाज में द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ज्योमेट्रिकल थ्योरम इन वर्ड्स। क्या? द डिस्क्रिप्शन इज हार बयान किसका? ऑफ अ ज्योमेट्रिकल थ्योरम का, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट का, किसमें? इन वर्ड्स, अल्फाज में। शुड बी रिटन फर्स्ट, आपने पहले उसको लिखना है, इन वर्ड तक लिख के ना बेटा, इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ द ज्योमेट्रिकल थ्योरम। और इसको सबसे पहले लिखा जाता है, इसको सबसे, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। बेटा याद रखना, थ्योरम की स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए जो ज्योमेट्रिकल थ्योरम, याद रखना ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। नहीं समझे? ए ज्योमेट्रिकल फिगर दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज कॉल्ड इट्स फिगर। थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए जो ज्योमेट्रिकल फिगर बेटा आप लोग ड्रॉ करेंगे, उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग थ्योरम की फिगर कहते हैं। वो ज्योमेट्रिकल जो कंस्ट्रक्शन होगी वो आपके थ्योरम में लिखी गई तमाम बातों का अहाता करेगी। ए ज्योमेट्रिकल फिगर और ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन दैट कवर्स ऑल इंफॉर्मेशन और दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड द फिगर ऑफ द थ्योरम। फिगर नहीं होगी तो थ्योरम प्रूफ नहीं होगा, फिगर के बगैर काम नहीं चलता। तो आपने स्टेटमेंट को विजुअली आपने ड्रॉ करना है, स्केच करना, ठीक है जी। तो ए कंप्लीट ज्योमेट्री इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज कॉल्ड इट्स फिगर। फिर बेटा जी उसके बाद उसका एक पार्ट है जिसे हम गिवन कहते हैं। पहला कहता स्टेटमेंट था, दूसरा फिगर आ गया। तो लिखा आफ्टर राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ए नीट फिगर शुड बी ड्रॉन टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड द रिजल्ट्स टू बी प्रूव्ड। समझा? तो आपने एक नीट फिगर ड्रॉ करनी है, क्या करने के लिए? वाजे करने के लिए या समझने के लिए जो आपको दी गई मालूमात है, और उन मालूमात को इस्तेमाल कर आपको साबित क्या करना है। तो एक ऐसे ज्योमेट्रिकल
ज्योमेट्रिकल फिगर जो आपको ये बताए कि थ्योरम की स्टेटमेंट आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रही है और कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स को आपने प्रूफ करना, दैट कंप्लीट ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड द फिगर ऑफ द, तो जो फिगर होगी वो आपको बताएगी कि हाँ जी आपको थ्योरम के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है और कौन सी जो इंफॉर्मेशन था वो आपने साबित करनी है। ठीक है तो बेटा ये फिर आपने गिवन भी लिखना है। ठीक है अब मेरी एक बात याद रखना बेटा, थ्योरम को डिस्क्राइब करने में हम इफ एंड देन स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो थ्योरम के अंदर याद रखना जो स्टेटमेंट इफ से शुरू होगी और देन से खत्म हो जाएगी, देन पे खत्म हो जाएगी, तो वो स्टेटमेंट आपका गिवन होगा। वो क्या होगा? In this step only given information should be written symbolically so that it becomes easy to use the proof. क्या कि आपको जो given information होगी इस step के अंदर सिर्फ आपने उनको symbols की form में लिखना है। क्यों लिखना है? ताकि आपको अपने theorem का proof लिखने में क्या हो, आसानी हो। ये कौन सी statement होती है बेटा? ये वो स्टेटमेंट होती है जो थ्योरम के अंदर इफ स्टेटमेंट से शुरू होती है और डन पे खत्म हो जाती है। ठीक है क्लियर हो गया? या वो मालूमात जो आपको थ्योरम में गिवन है, दे आर द गिवन, जो आपको पता हो, जो आपको बताई जाए, विच आर सपोज टू बी ट्रू, जिनको दुरुस्त माना जाए उनको हम गिवन कहते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूफ बेटा, इसके अंदर आपने सिंबोलिकली उन इंफॉर्मेशन को लिखना होता है जिनको आपने साबित करना। तो आफ्टर गिविंग इंफॉर्मेशन और आफ्टर द गिवन इंफॉर्मेशन इट इज नेसेसरी टू राइट द रिजल्ट सिंबोलिकली, इट इज नेसेसरी टू राइट द एम दैट फॉर विच वी आर गोइंग टू प्रूव द थ्योरम। वो एम हमने सिंबोलिकली लिखना, विच इज टू बी प्रूव्ड सो दैट अवर अटेंशन डज नॉट डाइवर्ट, ताकि हमारी जो तवज्जो है वो मुनहरित ना हो, वो इधर उधर ना जाए फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव, हमारे बुनियादी या अहम मकसद से एट एनी स्टेज, किसी भी दर्जे पर। क्लियर हो गया? उसके बाद बेटा बाब का आपना मेरे बच्चे, थ्योरम की जो स्टेटमेंट है या जो थ्योरम की फिगर है बेटा, उसके अंदर जो थ्योरम को प्रूफ करने वाला मैथमेटिशियन होता है वो अपने पास से कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का इजाफा कर देता है। ठीक है तो उस एडिशन को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है उससे आपके थ्योरम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको थ्योरम जो है वो प्रूफ करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है तो द नेसेसरी एडिशन, वो जरूरी इजाफा जो किया जाता है इन द फिगर ऑफ द थ्योरम। ठीक है तो याद है in the figure of the theorem in order to make the proof of the theorem easy is called the construction. theek hai to the necessary addition in the figure can be done to prove the theorem easily, this addition in the figure is called the construction. to theorem ko easily prove karne ke liye hum log na uske shakal mein kuch apni taraf se bhi adafa kar sakte hain aur itna adafa kar sakte the kya ke hamare theorem ki jo figure hai uske given or to proof ko farana padega, सिर्फ हमें आसानी होती है और कुछ नहीं होता। प्रूफ क्या जी बेटा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके अंदर आपने सारे लॉजिकल रीजंस देने हैं जो आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, आपको आपके एम तक पहुंचाएंगे। आपने अपने एम को यहां पे साबित करना। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड फैक्ट्स अलॉन्ग विद देयर रीजंस। इसके अंदर स्टेटमेंट्स होती है, इसके अंदर हकायक होते हैं। ठीक है और उनके साथ हमने उसकी reasons, ये बेटा हमारा इल्म होता है जो हमें पहले से पता होता है। ठीक है ये रूल्स होते हैं, हम बताते हैं ये चीज है ऐसा क्यों, आंसर रीजन देते हैं कि ये इसलिए इस रूल की वजह से हम ये बात लिख रहे हैं। तो जो जो स्टेटमेंट्स, अब हम एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ये है क्यों है जी, इसलिए है जी। ठीक है मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा यहाँ दरवाजा खोल के अंदर आया तो मैं पूछूंगा अभी तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जैसे आप देखते हैं अदालत के अंदर जो वकील होता है पूछता है जी आपने ऐसा क्यों किया, तो वो रीजन देता है मैंने ऐसा इसलिए किया। आप बच्चों से मैं पूछता हूँ हाँ जी आज आपने काम क्यों नहीं किया,
ताकत ऐसा, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे ये लॉजिकल रीजन देते हैं ना, अब तबीयत खराब थी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप काम करने के काबिल नहीं थे, समझ आया। तो आपने बेटा स्टेटमेंट लिखनी है, साथ उसके आपने कोई मैथमेटिकल रूल बताना कि ये जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं वो किस रूल के तहत लिख रहे हैं, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही। सो देयरफॉर हम साथ उसके रीजंस भी देंगे और अपने फैक्ट्स देते जाएंगे, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, तो एक फैक्ट्स की चेन यूज करेंगे हम लोग। वी विल यूज अ चेन ऑफ द फैक्ट्स विद रीजंस टू प्रूव द ऑब्जेक्टिव, टू गो टूवर्ड्स अवर ऑब्जेक्टिव, व्हाट वी आर गोइंग टू शो। तब एक चेन यूज करते हैं रीजंस की और उन फैक्ट्स की जिनके जरिए से हम लोग अपने मकसद तक पहुंच जाते हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं करूंगा तो बस इतना आपने याद रखना कि बेटा जी थ्योरम के 6 हिस्से होते हैं, आपको थ्योरम को प्रूव करने गए 6 बातों का ख्याल रखना है, 6 किस्म की इंफॉर्मेशन आपने देनी है, ये स्टैंडर्ड है, समझ आगे नहीं आगे। थ्योरम के बारे में आपने जब उसको प्रूफ करना तो कितनी बातें लिखनी है, 6 बातें। थ्योरम को प्रूफ करने के 6 स्टेप्स हैं और 6 के 6 आपने पेपर में लिखने हैं, उनमें से आपको इंस्ट्रक्शन हो सकता है ना करें, इट इज ठीक है अवॉइडेबल, बट 5 स्टेप्स तो पक्के हैं। उसकी स्टेटमेंट देनी है, उसकी फिगर बनानी है, उसका गिवन देना, उसका टू प्रूफ देना और प्रूफ लिखना, रिक्वायर्ड भी लिखना और गिवन भी लिखना है, रिक्वायर्ड क्या, गिवन क्या और एट द लास्ट आपने प्रूफ लिखना। देयर इज जिसे कहते हैं देयर इज नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, सो डू द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन भी आप कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंडेंट है। अब बेटा क्रोलरी क्या होती है, क्या क्रोलरी क्या होती है, तो बेटा जब आप एक थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं, एक थ्योरम प्रूव कर लेते हैं तो उस थ्योरम से जो मजीद रिजल्ट्स क्या होते हैं, डिड्यूस होते हैं, अखज होते हैं, जो और बातें अखज होती हैं। थ्योरम तो प्रूफ होता ही होता, साथ उससे कुछ और बातें जो प्रूफ होती हैं उन्हें हम उसकी क्रोलरीज कहते हैं, जो उसकी अपनी लिखा हुआ सम रिजल्ट्स विच आर विच कैन बी डिड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द थ्योरम आर कॉल्ड बट आर कॉल्ड द क्रोलरीज, आर कॉल्ड द क्रोलरीज। किसी बच्चे को बात नहीं समझ रहे, जैसे मैं आपको कहा करता हूं कि आपका न्यूटन सेकंड लॉ जो है F is equal to ma, उसका एक स्पेशल केस जो आपका फर्स्ट लॉ है, बात समझ आई नहीं आई। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर फोर्स जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, मास तो जीरो नहीं हो सकता, तो यही आपका फर्स्ट लॉ है, बात समझ आया, स्पेशल केस, ठीक है। डायरेक्टली जो चीज डिड्यूस हो रही है तो आपके थ्योरम की स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अखज कर सकते हैं बेटा, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसके क्रोलरीज कहते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट स्टूडेंट शुड वेरीफाई द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम प्रैक्टिकली बिफोर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रूफ। तो ये बात जो है, ये जिसे कहते हैं नसीहत के काबिल एक बात है कि बच्चे जो है वो थ्योरम की स्टेटमेंट को पहले क्या करें वेरीफाई कर लें, उसकी बात उस स्टेटमेंट की तस्दीक कर लें कि वाकई ऐसा है। तो मैंने जैसे आपको रिमाइंडर थ्योरम मैंने प्रूव करवाया था, तो पहले मैंने क्या किया था, पूरी डिवीजन से रिमाइंडर निकाला था, फिर रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल के आपको चेक करवाया था कि वाकई ये बात दुरुस्त है, प्रैक्टिकली हमने उसको वेरीफाई किया था। और यहां पर भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आप पहले यह काम करके देखें वाकई वो स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं, सो उसको प्रैक्टिकली आप क्या करें, उसको चेक कर लें। फिर बेटा क्लोज ऑफ द थ्योरम क्या होता है, क्या इसको सादा अल्फाज में यूं समझे, मेरी बात सुने, सादा अल्फाज में यूं समझे कि आपका एक थ्योरम है, उसके अंदर आपका एक गिवन होगा और एक क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे, एक थ्योरम जिसके अंदर आपको गिवन भी होता है और टू प्रूफ भी होता है, ठीक है। तो याद रखना एक ऐसा थ्योरम जिसका गिवन और टू प्रूफ किसी दूसरे थ्योरम, याद रखना, दो ऐसे थ्योरम्स जिनमें एक थ्योरम का गिवन किसी दूसरे थ्योरम का क्या हो, टू प्रूफ हो, और एक का टू प्रूफ दूसरे थ्योरम का क्या हो, गिवन हो। मतलब इनके गिवन और टू प्रूफ क्या होंगे, एक का गिवन दूसरे का टू प्रूफ होगा और दूसरे का पहले का टू प्रूफ दूसरे का गिवन होगा, क्या होंगे इंटरचेंज्ड होंगे, क्या होंगे। वैसे एक थ्योरम के आप गिवन और टू प्रूफ को आप इंटरचेंज कर दें,
टू प्रूफ को गिवन बना दे और गिवन को टू प्रूफ बना दे, तो जो नया थ्योरम बनेगा वो आपके गिवन थ्योरम का कन्वर्स होगा। आप समझ आया ये कहा जा रहा है? इफ गिवन एंड टू प्रूफ आपके थ्योरम आर इंटरचेंज, द न्यू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन ये जरूरी नहीं होता हर केस में कि आपके थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम भी क्या ट्रू हो, वैलिड हो। बात समझ आई? इट इज नॉट नेसेसरी दैट कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज आल्सो ए थ्योरम, जरूरी नहीं है। ये प्रॉब्लम किसी को? फॉर एग्जाम्पल द कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है वैसे, मुझे आप ये बताएं जी, कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? ये तो मैंने आपको एक लेक्चर सुनाया था, अपना प्रीवियस जो लेक्चर था, जो मेरा पिछले साल का लेक्चर था, प्रीवियस ईयर का, तो उसमें मैंने कॉन्ग्रुएंट को भी समझाया था और सिमिलर को भी आपको समझाया था। तो बेटा जी, उसको कितने गौर से आपने सुना, अब इस बात का भी फैसला हो जाएगा। तो मुझे जरा बताएं आप लोग के ये दो बातें हैं, दो टर्म्स हैं, एक है और एक है पहली बार तो मुझे सिमिलर की उर्दू बताओ और कॉन्ग्रुएंट की उर्दू बताओ। इसका मतलब होता है मुशाबे, मुशाबे। ये किससे निकला? शुबाहत से, ठीक है, शुबाहत से। शुबाहत क्या होती है? शक्ल का मिलना, शक्ल का मिलना। लेकिन शक्ल के मिलने का मतलब ये नहीं कि शक्ल ही सेम होगी, शक्ल की शेप सेम होगी लेकिन शक्ल का साइज नहीं जरूरी कि सेम होगा। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है जी आपसे? मुतमासिल, ये निकला तमसील से। तमसील का मतलब होता है मिसाल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्जाम्पल। समझ आ नहीं यार, इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम्पल, मिसाल। और मिसाल उस चीज की दी जाती है, मैं जैसे कह दूं कि इसकी मिसाल ये है, तो मिसाल का मतलब क्या होगा? इनका साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा। हम आपके सामने दो ट्रायंगल्स बना रहे, एक ये ट्रायंगल देख लो और अगर इसका ये एंगल भी 60 डिग्री का हो, ये 60 डिग्री का हो, ये भी 60 डिग्री का, तो मुझे ये बताएं इन दोनों की शेप सेम है? जी। क्योंकि इनके इंटीरियर एंगल सेम है, जो शक्ल के अंदर एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है? सेम है, ठीक है, लेकिन बताएं साइज सेम है? जितना एरिया इसके अंदर आ रहा है क्या उतना एरिया इसके अंदर आएगा? नहीं, इसकी इस साइज का साइज और इस साइड का साइज और इस साइड का साइज जो है दोनों डिफरेंट है, लेकिन अंदर के एंगल्स जो है उनकी शेप सेम है, ठीक है, एंगल्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो सिमिलर या मुशाबे होने का मतलब ये है कि ऑल करस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल्स ऑफ द गिवन टू फिगर्स आर सेम, बट द साइड्स, द साइज ऑफ द साइड्स इज नॉट सेम। और इसको हम यू लिखेंगे, ये ट्रायंगल ए बी सी और ये डी ई एफ है, तो मैं इसको मैथमेटिकली ये लिखूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, जिसमें इसके एंगल ए जो है वो एंगल डी के कोंग्रुएंट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, आपके एंगल बी का मैग्नीट्यूड एंगल ई के मैग्नीट्यूड के बराबर है आपके, ठीक है, और आपके एंगल सी का मैग्नीट्यूड आपके एंगल एफ के बराबर है, ये मतलब है। तो क्या ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ? ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा? डी। बी का कौन सा? और सी का कौन सा? ऐसे आपने लिखना है, समझ आ गया? तो ये इसका मतलब है, इस साइन को टिल्डा कहते हैं और ये साइन किसके लिए यूज होता है? सिमिलरिटी के लिए। समझ आ नहीं? अब मैं एक और ट्रायंगल आपके सामने बनाता हूं, इसका नाम भी करा देता हूं
पी क्यू इसके भी ये सारे एंगल्स कितने डिग्री के? और अगर इसके साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी 10 सेंटीमीटर है और इसकी भी 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी 10 सेंटीमीटर है, सुन रहे हैं आप लोग? जी। अब मुझे बताएं इन दोनों का साइज सेम होगा? जी। इन दोनों के इंटीरियर एंगल सेम होंगे? जी। तो बेटा जो साइज सेम हो तो हम उसे कहते हैं दे आर इक्वल। इन दोनों का साइज सेम होगा, समझ आ लिया? इन दोनों का एरिया सेम होगा, समझ आ लिया? इनके करस्पॉन्डिंग साइज की लेंथ सेम होगी, हम कहेंगे दे आर इक्वल। और इनके इंटीरियर एंगल्स भी क्या सेम है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी, अब हम ये सिंबल यूज करेंगे, ट्रायंगल डी ई इज, ये है कॉन्ग्रुएंट, ये तमसील है इसकी, ये मुतमासिल है इसके, ठीक है? ट्रायंगल पी पी क्यू आर, तो ये पता है कि ट्रायंगल का सिंबल है, ये साल लगाना है आपने। समझ आया या नहीं आया? ये मतलब है कॉन्ग्रुएंट होने का और सिमिलर होने का। अब मेरी बात सुनो, दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो, क्या हो? तो सिमिलर होंगी या नहीं होंगी? होंगी नहीं होंगी? बिल्कुल होगी। पहले सिमिलर होगी तो बाद में कॉन्ग्रुएंट होंगी ना। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर तो होती हैं, क्या सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होती हैं? ये दोनों सिमिलर है, क्या कॉन्ग्रुएंट होंगी? नहीं। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होती है लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होती है ये जरूरी नहीं है। उन्होंने ये बात लिखी, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ऐसा ही, जब उनका साइज सेम है, शेप सेम है, तो क्या कॉन्ग्रुएंट में दो बातें छुपी हैं? कितनी बातें? दो बातें, कि एक बात तो वो सिमिलर है और दूसरी बात उनका साइज भी क्या सेम है, मैचिंग पोजिशन साइज का की लेंथ क्या सेम है। समझ आ रही नहीं आ रही? दो बातें। तो उसने कहा अगर कॉन्ग्रुएंट है तो भाई सिमिलर तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, लेकिन कहा अगर सिमिलर है तो साइज इक्वल है, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। यही कहा जा रहा है कि टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, नो दिस इज नॉट अ थ्योरम, दिस इज नॉट वैलिड। तो इन दिस एग्जांपल द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये बेटा आपके थ्योरम शुरू हो गए, सुन रहे हैं? ठीक है जी। अब बेटा जी बात आप गौर से सुने, ये आपका पहला थ्योरम था 8th क्लास में जो आपने पढ़ा। ये कहां कह जा रहा है? यहां पे कहा जा रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन, याद रखना, इफ ए स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, ठीक है? और सुन रहे हो, द सम ऑफ, अब ये याद है, कॉमा आ गया ना, तो ये इफ से लेके कॉमा तक जो बेटा ये आपका गिवन है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स किसके बराबर होते हैं? राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को, तो दो कटे का लो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये वो कह रहा है। अब इसका क्या मतलब है? उन्होंने पहले शक्ल बनाई, एक स्ट्रेट लाइन ये, राइट एंगल की डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, और ये बेटे यहां से सब पेरीमीटर भी बताया था, और यहां से आगे मैंने डेफिनेशन शुरू की थी आपके, ये आ गया रेक्टेंगल है, ये उसके पेरीमीटर की बात की थी, एंगल की बात की थी। आप मुझे कैसे कहते हैं मैंने एंगल आपको नहीं बताया? याद है ये भूल गए? मैंने बताया था, ये यूज भी किस लिए होता है ये बताया था, सर्कुलर सेपरेशन। ये दो लाइनें थी आपके पास, किस पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, दोनों किस पे मीट कर रही हैं? अब देखो मेरा बाजू, देख रहे हो मेरा बाजू? तो ये एक लाइन है और ये मेरे बाजू का ऊपर वाला दूसरी लाइन है, ये दोनों किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, एंड द पॉइंट इज दिस, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है? तो अब इनके दरमियान में सेपरेशन आए ना, यहां से यहां तक सेपरेशन आए नहीं, दिस इज एन एंगल की जो सर्कुलर सेपरेशन होती है। इसको सर्कुलर सेपरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा हम लोग जो टर्म की क्वांटिटी होती है बेटा, हम लोग उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर सेपरेशन, हमें उसे सर्कल की बाउंड्री की फॉर्म में हम उसको मेजर करते हैं। समझ आया नहीं? सो देयरफॉर याद रखें, मैंने आपको समझाया था, बताया भी था, लेकिन आप लोगों को क्या है कि बेटा आप लोगों को एहसास नहीं है,
जिस बच्चों को एहसास होता है ना और जिसको थोड़ी बहुत उस्ताद की कदर होती है वो बच्चा बातों को याद रखता है, ठीक है। तो याद रखो बेटा जी, जिनको पढ़ाया था वो प्लीज ऐसे ना करें, बार बार एक चीज नहीं होती। जब नहीं आता था तो आप ने कहा मैंने करवाया, अब तो मैं करवा चुका हूं पहले। तो इसके डेफिनेशन क्या था, सर्कुलर सेपरेशन बिटवीन टू लाइन, दो लकीरों के दरमियान में दारवी अलादगी। दो लकीरों के दरमियान में कौन सी अलादगी? दारवी अलादगी। जैसे आपकी एक ये लाइन है, ये लाइन है, अब ये दोनों लाइन जो है किस पे मीट कर रही है, एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही है, और इन दोनों के दरमियान में ये जो सेपरेशन होती है, ये जो अलादगी होती है, इसको एंगल कहते हैं। ये मैंने लिखा, द सर्कुलर सेपरेशन बिटवीन टू लाइन हैविंग कॉमन एक ही स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिनका नुक्ता है इब्तदा, इसे कहते हैं नुक्ता इब्तदा, जिनका नुक्ता इब्तदा क्या हो, एक हो, उनके दरमियान में ये जो अलादगी होगी, ये जो अलादगी है, ये सेपरेशन, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड, बट दिस इज कॉल्ड द एंगल। अब आप सोच रहे हो कि ये सेपरेशन ज्यादा और ये क्या कम है, नहीं बेटा जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपके पास अगर दो रोटियां हैं, एक बड़ी और एक क्या छोटी, आप इनके चार हिस्से करें, समझ आ नहीं है? अब ये मुझे बताएं, ये जो छोटा हिस्सा क्या इस रोटी का चौथा हिस्सा नहीं है, और ये वाला भी इसका चौथा हिस्सा होगा, ये फर्क क्या, बात समझ आई नहीं आई? तो हमें सर्कल की बाउंड्री का के पार्ट की बात करनी है, चाहे बाउंड्री छोटी हो या बड़ी। असल में जो एंगल होता है ना, मेरी बात कौन से सुनना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो जिस सर्कल की बाउंड्री का हिस्सा नहीं हो रहा, ये बाउंड्री का कुछ हिस्सा होता है ये वाला, ठीक है, इसे हम कहते हैं आर्क, कहते हैं इसको आर्क। तो आपका एंगल असल में क्या होता है, हम उसको थीटा से शो करते हैं, और एंगल बराबर होता है इस आर्क की लेंथ और सर्कल के रेडियस की रेशियो के बराबर, एस बटा आर के बराबर होता है आपका एंगल। अब आपका जब देखे बात, जब आपकी आर्क बड़ी होगी तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, रेशियो फिर कॉन्स्टेंट रहेगी। कैसे, जैसे आपके पास नंबर था, और जो सुना, 4 / 2 थीटा, आंसर कितना आया, 2। अगर अब आपके पास नंबर क्या आ जाए, 8/2, मतलब आर्क की लेंथ 8 हो जाए, ठीक है, तो रेडियस का 8/4 सॉरी, तो रेडियस भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, समझ आया? अगर आपकी आर्क जो है वो 2 times बढ़ गई तो आपका रेडियस भी 2 times बढ़ जाएगा, आंसर फिर 2 आएगा, 4 × 4 = 8। तो थीटा पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, तो याद रखना इस आर्क लेंथ की रेशियो और सर्कल के, या इस आर्क लेंथ और सर्कल के रेडियस की जो रेशियो होती है बेटा, असल में वो आपका एंगल होता है। अब आप कि जब आर्क बड़ी होगी तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगी, रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो ये सारे सेम एंगल को शो कर रहे होते हैं कि बड़ा होने से छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल क्या है, याद रखना द सर्कुलर सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अब समझ आ गया आपको, तो ये एंगल होता है। अब आगे देखते हैं, अब बेटा यूजेस ऑफ एंगल्स मैंने आपको बताया था, ये कि एंगल इस्तेमाल किस लिए होता है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप लोग पहले इसको देख लें कि एंगल के कितने हिस्से होते हैं। तो एंगल के बेटा जी 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उसका इनिशियल आर्म होता है, उसकी इनिशियल साइड होती है, समझ आ गया। दूसरा हिस्सा उसका फाइनल आर्म होता है, और तीसरी चीज उसका वर्टेक्स होता है। अब ये क्या चीज है बेटा जी, देखो इसको हम यूं समझ सकते हैं कि अगर आपकी कार एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही थी ऐसे सीधी, समझ आया नहीं है, और किसी पॉइंट पे जाके कार ने क्या किया, टर्न ले लिया, कार मुड़ गई, डायरेक्शन चेंज हुई नहीं हुई, पहली डायरेक्शन क्या थी, यही है ना, और दूसरी डायरेक्शन क्या ये, तो कार ने कितना टर्न लिया, कितना मोड़ काटा, इसकी मेजरमेंट कौन करेगा, एंगल। और वो पॉइंट जिस पर आप ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, वो आपका क्या, वर्टेक्स, वो क्या, वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। इसको अब ये देखो, इसको अब मैं आपसे ये कहूं, वो जो कोना है वो क्या है आपका, वो वर्टेक्स है। इसको हम उर्दू में कहते हैं नुक्कर, लोग कुछ नुक्कड़ कहते हैं, ठीक है, इसको हम कोना भी कहते हैं, इसको रास भी कहते हैं, समझ आ गया नहीं आ गया। सो देयरफॉर यानी इसको जॉइंट भी कह सकते हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, कॉमन पॉइंट भी कह सकते हैं, मीटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं,
नुक्ताए मिलाप भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है। सो ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है। कहां से आपकी गाड़ी की इनिशियल डायरेक्शन में मोशन क्या थी ये, इसलिए इसको इनिशियल साइड भी कहते हैं, इनिशियल आर्म भी कहते हैं, कि आपके एंगल की वो साइड, आपके एंगल की वो साइड या वो लाइन जो आपको ये बताए कि आपका ऑब्जेक्ट पहले किस डायरेक्शन में जा रहा था, व्हाट वाज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं इनिशियल आर्म। फाइनल आर्म क्या होता है, ये बताता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको टर्मिनल आर्म भी कहते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया, ये फाइनल डायरेक्शन को शो करता है, ये इनिशियल डायरेक्शन को शो करता है। अब इसमें कितना चेंज आया, समझ आ नहीं आया, गाड़ी मोड़ कर आती है तो गाड़ी को सर्कल पे मूव करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, तो सर्कल की बाउंड्री के कितने हिस्से को गाड़ी को कवर करना पड़ा, इस बात समझ आई नहीं है, क्लियर हुआ, फिजिक्स बताती है ना आपको कि अगर आपने बॉडी की डायरेक्शन ना मोशन को चेंज करना, तो उसकी मोशन के साथ 90 डिग्री पे बोझ लगानी पड़ेगी, तो कितनी देर तक वो बोझ लगे, समझ आया। इसके बारे में आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, वो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, फिर आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, बहुत सारी बातें आप लोग वहां पर जाके करेंगे, ठीक है। और समझे हो या नहीं समझे, तो याद रखिएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड एंगल। तो इनिशियल आर्म होता है, फाइनल आर्म होता है, वर्टेक्स होता है। अब इनिशियल आर्म क्या होता है, दैट आर्म, दैट साइड भी कह सकते हैं, दैट लाइन भी कह सकते हैं, ऑफ एन एंगल विच शोज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इनिशियल आर्म। क्लियर हो गया, फाइनल आर्म आप लोग डिफाइन करेंगे, दैट आर्म ऑफ दैट साइड ऑफ एन एंगल विच शोज द क्या आ जाएगा, बस फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स फाइनल आर्म। और आपका वर्टेक्स क्या होगा, द मीटिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट, द मीटिंग पॉइंट, नुक्ता है मिलाप, इसको कहते हैं नुक्ता, और इसको कहते हैं तो मिलने का नुक्ता, कंबाइन होने का नुक्ता, किसका, द टू आर्म्स आर टू साइड्स, जो दोनों लकीरें हैं ना, जो दोनों लकीरें आर्म की, उनके मिलने का नुक्ता जो है, जिस पर वो दोनों मीट कर रही होती है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू आर्म्स ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, द वर्टेक्स, हम उसे वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है बेटा, समझे हो। ये तीन हिस्से हो गया, एंगल हम कहां पे यूज करते हैं, मैंने बता दिया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल इज यूज्ड टू मेजर, इसको हम इस्तेमाल करते हैं मापने के लिए, क्या करने के लिए, नापने के लिए, मापने के लिए या नापने के लिए, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, सुन लिया और सुन लिया, तो इसको हम मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसको, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में जो चेंज आती है ऑफ द बॉडी, क्लियर हुआ नहीं हुआ, चले आगे, या हम इसको शेप में जो चेंज आता है उसको भी मेजर करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा इसको देखें, मेरी बात सुने, अब आप लोगों ने अगर एक जिसे कहते हैं वन डायमेंशन में जो सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट होती है, जिसे हम लीनियर सेपरेशन कहते हैं, अगर आपने उसको मेजर करना हो तो आप मीटर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, करते नहीं करते, इसी तरह बेटा याद रखना, एक मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना, आप लोगों ने लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उस यूनिट का नाम क्या है, मीटर। मीटर असल क्या चीज है, मीटर है क्या, एक लेंथ है, स्पेसिफिक लेंथ है, और भाई जो यूनिट होता है ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, वो फिजिकल क्वांटिटी की खास मकदार होती है। अब लेंथ का यूनिट मीटर है ना, लेंथ का यूनिट मीटर है, तो मीटर बताते खुद एक स्पेसिफिक लेंथ है यार, और लेंथ को किसकी जुबान में मेजर करोगे, लेंथ की जुबान में ना, नहीं समझे मेरी बात, आप लोगों ने क्या याद रखना, ये यूनिट हम लोग खुद बनाते हैं, याद रखना, मीटर जो है ना दुनिया भर के साल 1960 में इकट्ठे हुए, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के अंदर, और उन्होंने एक प्लाटिनियम और रेडियम की रॉड लेकर उसमें दो निशान लगाए, कितने निशान, और कहा इन दोनों निशानों के दरमियान में जो डिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या होगा, 1 मीटर, कहा ये डिस्टेंस है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो क्या, 1 मीटर। अब बाकी जो लेंथ है वो किसकी जुबान में मापी जाएगी, इसकी जुबान में मापी जाएगी, जो लेंथ इसके बराबर होगी वो 1 मीटर होगी, जो इसके हाफ के बराबर होगी वो हाफ मीटर होगी, समझ आ नहीं आया,
और जो लेंथ इसका टू टाइम्स होगी, मतलब इसे दो गुना बड़ी होगी, वो टू मीटर होगी। समझ आया? अब टू मीटर, मीटर इज अ लेंथ, मीटर एक लेंथ का नाम है भाई, समझ आया नहीं? तो आपने जब स्ट्रेट लाइन लेंथ मेजर करनी है तो आप किसको यूज करेंगे? मीटर को यूज करेंगे, ठीक है? जो कि बनाते खुद एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, लेंथ है, एक लेंथ का नाम है, लेंथ को मेजर करना लेंथ की जुबान में। अब मुझे ये बताओ, आपने एंगल को मेजर करना है, एंगल है क्या? सर्कुलर सेपरेशन है, और सर्कल की बाउंड्री का कुछ हिस्सा ना यार, तो हम उसको किसमें मेजर करेंगे? सर्कल की बाउंड्री की जुबान में मेजर करेंगे। तो ये लो जी डिग्री, याद रखना, अगर आप एक सर्कल की बाउंड्री के कितने हिस्से करें, 300 बराबर हिस्से, ये जो बाउंड्री होती है ना सर्कल की, बिल्कुल, अगर आप सर्कल की बाउंड्री के चार बराबर हिस्से कर देना, चार हिस्से, तो उनमें से एक हिस्सा जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर आप दो बराबर हिस्से कर दें तो फिर एक हिस्सा क्या होगा? 180 डिग्री। अगर आप कोई ना करें तो फिर 360 डिग्री, ठीक है? तो एक सर्कल कोई जितना बेचा, बड़ा सर्कल हो या छोटा सर्कल, उसकी बाउंड्री को बेटा आप लोग क्या करें, 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। उन 360 बराबर हिस्सों में से जो एक हिस्सा होगा, ये जो यहां से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, इसके मैंने 360 कर दिए, तो ये जो ये एक हिस्सा आएगा, ठीक है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? फ्रैक्शन लिखनी आती है नहीं आती? आती है ना। तो जिसकी हम बात करें, वन सिर्फ एक, कितनों में से? 360 बराबर हिस्सों में से, हम उसको कहते हैं क्या? 1 डिग्री, ठीक है? तो 1/360th part आप ए सर्कल इज कॉल्ड 1 डिग्री। समझ आ गया नहीं आ गया? तो ये डिग्री जो है बेटा, ये सर्कुलर सेपरेशन है, ये सर्कल की बाउंड्री का कुछ हिस्सा है, इसको लोगों ने डिफाइन किया मिलके, अब इसकी जुबान में आपने एंगल्स को मेजर करना। प्रॉब्लम किस बेटा? 2 डिग्री हो जाएंगे फिर, अगर 2 हिस्से लोगे तो उधर 2 भी आ सकता है, जब आप 2 लोगे तो फिर 2 डिग्री होगी। नहीं समझे मेरी बात? मैंने कहा एक हिस्सा जो 360 बराबर हिस्से में से कितना हिस्सा आएगा? एक, तो वो 1 डिग्री है। अगर तू 2 लगे तो कितने डिग्री हो जाएंगे? 2 डिग्री हो जाएंगे। 2 भी तो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? लेकिन 1 डिग्री क्या? 360वां हिस्सा 1 डिग्री होगा, ये डेफिनेशन। प्रॉब्लम किसी को? अब 4 हिस्से करोगे तो क्या आएगा? 90, ठीक है? 2 हिस्से करोगे तो कितना आएगा? 180। 6 हिस्से करोगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। सुन रहे हो? आगे चले। एंगल्स की कितनी टाइप्स है? तो ये मैंने लिखी हुई है, ठीक है? एक एक्यूट एंगल होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है। तो बेटा जी ये देख लें, एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा एंगल जो होगा, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री, 89.009, 90 बुरा नहीं, वो एक्यूट ही है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो एंगल होता है बेटा, हम उसको क्या कहते हैं? उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है? उसको उर्दू में कहते हैं हादा जाविया। अब हादा जाविया जो है वो क्या होता है, तुम उसको छोड़ दो, फिलहाल एक्यूट को याद रखो। फिर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है जी? इसको मुनफर्जा जाविया कहते हैं, और ये 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। समझ आया नहीं यार? एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से का हो, बड़ा हो, बट लेस देन 180 डिग्री हो, ठीक है? मतलब थीटा अगर 180 से क्या हो? छोटा, और 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा। देन दैट थीटा आर एंगल इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। समझ आ गया? और अगर आपका एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर आ जाए, तो हम उसको कहते हैं राइट एंगल। क्लियर हो गया कि थीटा इज 90 डिग्री, देन इट इज राइट एंगल। और अगर आपका थीटा जो है वो 180 डिग्री आ जाए, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये दो लाइन, एक आपकी इधर देख रहे हैं, ये दो लाइन है जहां पे मीट करें, एक इधर जाना शुरू होगी, किधर? इनमें अलग ही कितनी है? इतनी, तो ये 180 डिग्री है। ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। ऐसे एंगल को कहते हैं, तो एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। क्लियर हो गया? हाफ सर्कल के बराबर होता है स्ट्रेट एंगल, हाफ सर्कल के, ठीक है? उसके बाद क्या आ रहा है जी? रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से बड़े एंगल को, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, अब वो कैसा होगा? जरा इधर देखें, आधे सर्कल से ज्यादा हो जाएगा। यहां तक क्या था? आधा सर्कल था, यहां तक 180 था, लेकिन ये इतना ऐसा 180 से बढ़ गया। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़े एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कंप्लीट जो है वो आपके पूरे सर्कल को, एन एंगल दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल, ठीक है जी? प्रॉब्लम किसी को? एनी कंफ्यूजन? ये बेटा आपने एक थ्योरम अपने माइंड में रखना है।
एक ट्रायंगल में देखें कितने एंगल्स होते हैं, ये तीन मीटिंग पॉइंट है, तीन एंगल्स होते हैं, साइड्स कितनी होती हैं, तीन होती हैं। बेटा एक ट्रायंगल के जो अंदर अंदर बाहर नहीं बात कर रहा मैं, कहां पे अंदर जो एंगल्स होते हैं बेटा उन तमाम का सम कितना होता है 180। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, करवा चुका हूँ, इसको यूज कर चुके हैं। ये बेटा आपकी 8th क्लास का थ्योरम था, आपने वहां पे प्रूव भी किया था, ठीक है। अब हम इस थ्योरम को बहुत ज्यादा आगे यूज भी करेंगे, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब जरा यहाँ पे आ जाए,